रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की कोशिश तो कर, हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का वेलकम है पीएसई स्टडी में, सभी साथियों का। इस क्लास में हम ज्योग्राफी की क्लास देखेंगे। ज्योग्राफी की हमारी ये फोर्थ क्लास है, चैप्टर 3 है। दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीट, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दे दी है। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है और मैंने बता भी दिया है कि ज्योग्राफी या फिर जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं वो सभी एग्जाम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। सभी एग्जाम में एनसीईआरटी बेस बनाने का कार्य करती है, छोटे से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो। तो इसीलिए हम इसे स्टार्टिंग से, अगर आप 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपका बेस बनाने का काम करेगी। स्टार्ट करते हैं हम इसमें पृथ्वी की गतियां। हमारा थर्ड चैप्टर क्या है? पृथ्वी की गतियां, क्लास 6 का चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियां। अब हम इसमें देखेंगे, देखो पहले हम इस डायग्राम से समझेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में, हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखें, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, दिन रात, लीप वर्ष, दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात कैसे होते हैं, छाया छोटी बड़ी कैसे होती है, किस समय कम गर्मी होती है, किस समय ज्यादा गर्मी होती है, ऋतु चक्र क्या होता है, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 जून और 21 मार्च की जो ये तिथियां हैं ये क्या बताती हैं हमें, हम ये सारा इसमें कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो आपको ये यहाँ पर सूर्य दिख रहा है, सूर्य की रोशनी है वो पूरी पृथ्वी पर पड़ रही है, आप सभी जानते हैं। तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर मैंने कल बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा होती है, उससे 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमें कर्क रेखा मिलती है, और फिर उससे 66 डिग्री अक्षांश पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर आर्कटिक वृत्त मिलता है, और 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव होता है उत्तर की साइड, और दक्षिण की साइड 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव होता है। और यहाँ पर नीचे अगर हम जाएंगे विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री जब हम नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पर मकर रेखा मिलती है, और विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पर अंटार्कटिक वृत्त मिलता है। हमने जो 3 क्लास की हैं उसमें मैं ऑलरेडी पूरा डिफाइन करके बता चुकी हूँ आपको, तो वो क्लास आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका बेस देखना है कि ये पृथ्वी किस तरह से आर्कटिक वृत्त है, विषुवत रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, ये सब आप वहां जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की ये दिशाएं बताई गई है कि अगर पृथ्वी 21 जून को अगर सूर्य के सामने होती है, कौन सा भाग उसका सूर्य के सामने होगा 21 जून को, कौन सा भाग 23 सितंबर को सामने होगा पृथ्वी का, कौन सा भाग सूर्य के सामने 22 दिसंबर को होगा पृथ्वी का, और कौन सा भाग 21 मार्च को पृथ्वी का सूर्य के सामने होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो बस हम ये इसमें यही देखने वाले हैं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी थोड़ी टेल्ट है, आप देख सकते हैं विषुवत रेखा कहाँ है, इस तरह से टेढ़ी हुई है यानी कि टेल्ट हुई है। तो ये किस अक्ष की ओर झुकी हुई है? उत्तरी ध्रुव इसका सूर्य की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी ध्रुव किधर झुका हुआ है? सूर्य की साइड झुका हुआ है इसका। तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की साइड झुका होगा, जाहिर सी बात है उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें आएंगी, और जब उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें आएंगी तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, जाहिर सी बात है ग्रीष्म काल होगा यानी कि गर्मी होगी, प्रकाश होगा, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं 21 जून। और भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है? भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो यही कारण है 21 जून के टाइम पर भारत में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की साइड झुका होता है और सूर्य की साइड झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, दिन बड़े होने लगते हैं क्योंकि बहुत सारा प्रकाश पृथ्वी पर उस भाग में रहता है उत्तरी गोलार्ध में। इतना आपको क्लियर हो गया, इस तरह से हमारा ये जो पृथ्वी है 21 जून को वो सूर्य की तरफ उसका उत्तरी भाग झुका रहता है,
वो जब अपने अक्ष पर घूम रही होती है तो उसका उत्तरी भाग झुक जाता है सूर्य की तरफ, इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन होता है और रातें छोटी होती हैं और गर्मी का मौसम होता है। अब हम बात करते हैं 23 सितंबर कि 23 सितंबर को क्या होता है। 23 सितंबर को आप सभी को पता है, पहले तो आप इमेजिन करो कि भारत में क्या होता है 23 सितंबर को, गर्मी होती है ठंडी होती है, ठीक है। तो आपको सभी को पता है ठंडियां स्टार्ट हो जाती हैं सितंबर में भारत में, तो यहां पर देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होगा क्योंकि भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है और भारत में सर्दियां आने लग जाती हैं सितंबर के टाइम में। इसका मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य से तो दूर हो गया है लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के पास हो गया है। यही तो कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां पड़ रही हैं, सर्दियां पड़ रही हैं, तो इसका यही रीजन है। 23 सितंबर को क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव तो सूर्य के सामने होता है तो वहां पर पूरा प्रकाश पड़ता है, पूरी गर्मी का मौसम होता है, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। वहीं इसके अपोजिट हम उत्तरी ध्रुव में बात करें, सेम हम यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव की देखा था तो दक्षिणी ध्रुव में यहाँ रातें बड़ी हो रही हैं तो दक्षिणी ध्रुव में रातें छोटी होनी थी जब 21 जून की बात करते हैं तो हम, लेकिन जब हम 23 सितंबर की बात करते हैं तो दक्षिणी ध्रुव में गर्मियां हैं, दिन बड़े हैं, रातें छोटी हैं, प्रकाश है पूरी पृथ्वी पर, इस पर उत्तरी गोलार्ध में, तो वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, इसकी अपोजिट कंडीशंस होंगी। अपोजिट का मतलब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी, सर्दियां आ जाएंगी और वहां पर क्या होगा, सर्दियों का मौसम होगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि 23 सितंबर, अब भारत में क्या चल रहा है, भारत में सर्दियां चल रही हैं, सितंबर से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य से दूर जाती है उत्तरी गोलार्ध दूर जाता है और दक्षिणी गोलार्ध पास आता जाता है, इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत, यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 22 दिसंबर की क्या कंडीशन है। 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर में भारत में क्या रहता है, सर्दियां रहती हैं। भारत कौन सी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है तो सर्दियां क्यों रहती हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है, जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य से दूर चला गया है, इसी यही तो कारण है कि सर्दियां रहती हैं। तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को तो आप यहां देखोगे और सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं वो कहाँ पड़ रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। दो कंडीशन हम इसकी शरद, बसंत और शरद की देखते हैं और दो कंडीशन ग्रीष्म और शीत की देखते हैं। हमने ग्रीष्म की 21 जून को, शीत और ग्रीष्म की 21 जून और 22 दिसंबर को देखेंगे। बसंत और शरद की जो कंडीशन है वो हम 23 सितंबर और 21 मार्च को देखेंगे। तो जो ये है, क्योंकि देखो ये समझो 23 सितंबर क्या है, भारत में पूरी तरह से तो ठंडियां नहीं आ जाती, थोड़ा थोड़ा पृथ्वी घूमती है, थोड़ी दूर जाती है, तो दक्षिणी जो भाग है पृथ्वी का, जो दक्षिणी ध्रुव है वो धीरे धीरे पास आता है सूर्य के और उत्तरी ध्रुव धीरे धीरे दूर जा रहा होता है, तो पूरी तरह हम यहाँ ठंडियां और गर्मियां महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बसंत मौसम कहा गया। यहाँ पर बसंत ऋतु होती है 23 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में भी इस तरह से। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म है क्योंकि पूरा तरह से झुका हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पूरी तरह से सूर्य के सामने है और उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, 22 दिसंबर में देखोगे तो भारत में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा। अब नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर 21 मार्च की क्या कंडीशन है। 21 मार्च को सोच के देखो, धीरे धीरे भारत में ठंडियां जा रही होती हैं और धीरे धीरे गर्मियां आ रही होती हैं, ना तो ज्यादा ठंडी का मौसम होता है 21 मार्च को और ना ज्यादा गर्मी का मौसम होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं, शरद मौसम कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं, शीत ऋतु नहीं कहते, शरद ऋतु। इसमें जो वर्ड है ना, इनको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो कि शरद या शीत एक ही है, एक ही नहीं है, ये शरद अलग है कि थोड़ी गर्मी है और थोड़ी सर्दी है। शीत का मतलब हो गया सिर्फ सर्दियां ही सर्दियां हैं, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें चलेंगी ना, ये शीत ऋतु चलेगी। लेकिन शरद ऋतु क्या आती है, जो सर्दियों के बाद जो मौसम आता है ना, उसे हम शरद ऋतु कहते हैं।
तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। क्योंकि देखो 21 मार्च का समय है, 21 मार्च अब पृथ्वी धीरे धीरे, जो उत्तरी गोलार्ध 22 दिसंबर को पृथ्वी सूर्य से दूर था, अब वो धीरे धीरे सूर्य के सामने आएगा। तो सूर्य के सामने आएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने है, यहाँ पर 0 डिग्री है ये, तो इसमें क्या होगी अब धीरे धीरे गर्मी आएगी। इसीलिए इसे गर्मी नहीं है लेकिन गर्मी आने वाली है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में शरद होगा और उत्तरी गोलार्ध में बसंत होगा। बसंत का मतलब हो गया जो भी नए पेड़ों के पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे, नए नए पत्ते आएंगे, हमारी जो स्किन सर्दियों में रूखी रूखी हो जाती है अब वो स्किन अच्छे से ठीक होने लगेगी, हमारे जो होंठ फट जाते हैं, अनेक कारण हैं जो डैंड्रफ हो जाता है, अनेक समस्याएं हो जाती हैं जो सर्दियों में क्योंकि ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है, वो सारी ठीक होने लगेगी। तो इसी को कहा गया है बसंत ऋतु। कोयलें चहचहाती हैं, तो ये सब जो संदेश हैं ये बसंत ऋतु आने के हैं। वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी कि अभी वहां पर थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही होगी। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं सूर्य 21 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर और 21 मार्च के क्या क्या ये कंडीशन होती हैं। 21 जून को बस देखो, जब भी आप एग्जाम में बैठो और ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो भारत को सोचना कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, भारत में इस टाइम पर गर्मी पड़ती है, इस टाइम पर ठंडी पड़ती है। 21 जून को खूब गर्मी होती है तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। 23 सितंबर यानी गर्मियां जाने वाली होती हैं और जो बसंत ऋतु आती है वो भी थोड़ी थोड़ी होती है और सर्दी स्टार्ट होने लगती है। इसका मतलब क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु आएगी थोड़ी थोड़ी, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होगी और उत्तरी गोलार्ध में थोड़ी थोड़ी शरद ऋतु आएगी। इस तरह से नेक्स्ट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में सोचना कि 22 दिसंबर को तो भारत में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, हमें आग जला के बैठना पड़ता है और हम कंबल से नहीं निकल पाते हैं, इसका मतलब तो शीत ऋतु हो गई। और शीत ऋतु होगी जब उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होगी, ये यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होगी, यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत है और यहाँ पर ज्यादा ठंडी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो शीत कहाँ पर पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर इस तरह से। फिर 21 मार्च को सोचना कि हम तो कपड़े पहनना कम कर देते हैं, यहाँ पर होली आती है मार्च के महीने में, तो हमें क्या होता है गर्मी लगने लगती है, इसीलिए क्या होता है ज्यादा तो गर्मी नहीं लगती लेकिन ठंडी और गर्मी दोनों का हमें मिक्सचर मिलता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, हमारी बॉडी है वो ठीक ना होने लगती है, जो ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है। तो आप अगर इस तरह से सोचोगे एग्जाम में रट्टा मत लगाना बिल्कुल भी, जैसे कि आपको याद करना है याद कर सकते हैं लेकिन रट्टा मत लगाना, इस डायग्राम को आप अच्छे से इस तरह देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, हमने यहाँ पर देख लिया दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं और भी हम इसमें देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा पहला है घूर्णन क्या होता है, घूर्णन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी को घूर्णन कहा जाता है। घूर्णन क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी को घूर्णन कहा जाता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही है इसी को घूर्णन कहा जाता है, पृथ्वी पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इसे परिक्रमण कहा जाता है, इस तरह आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना है, घूर्णन क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी को क्या कहा गया है घूर्णन, इस तरह से घूम रही है पृथ्वी, जैसे ये है पृथ्वी तो इस तरह से घूम रही है। यहाँ पर क्लियर हो गया घूर्णन क्या है। नेक्स्ट है परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 4 घंटे में करती है, इसी को परिक्रमण कहा गया है। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है परिक्रमण क्या है, पृथ्वी जिस पाथ को कवर करते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है उस पाथ को, उस समय को उसका परिक्रमण कहते हैं पृथ्वी का, और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण 365 दिन 4 घंटे में लगाती है, 365 दिन 4 घंटे में लगाती है। तो परिक्रमण आपको समझ आ गया कि पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है उसी को, उसी पथ को परिक्रमण कहते हैं, उसी काल को परिक्रमण कहते हैं।
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 4 घंटे में करती है। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है 365 दिन और 4 घंटे एक साल में, मतलब एक साल में और 4 घंटे लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। तो ये चार घंटे क्या होंगे, जब ये जब यहाँ पर 6 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, यहाँ पर 4 घंटे नहीं है, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और जब 6 घंटे 4 साल बाद 6 चौक 24 हो जाएंगे, और 24 में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो 29 की फरवरी आपको दिखती है ना, वो लीप ईयर हो जाता है 4 साल बाद। समझ में आ रहा है ना, 365 दिन तो हो ही गए। अब जब 4 साल तक पूरी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक साल में उससे एक्स्ट्रा 6 घंटे मिले, तो 4 साल में कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का एक दिन होता है, और जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है 4 साल बाद, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, वो 29 फरवरी को ऐड हो जाता है और लीप ईयर हो जाता है हमारा। यहाँ पर ये परिक्रमण आपको समझ आ गया, उसी के साथ साथ आपको लीप ईयर भी समझ आ गया कि 4 साल बाद 366 दिन हो जाते हैं, ये 365 थे, ये 4 साल बाद एक दिन और ऐड हो जाएगा, 366 दिन हो जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो लीप ईयर में क्या ध्यान रखना है आपको, दिन 366 होते हैं और फरवरी 29 दिन की होती है, इसी को लीप ईयर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, दिन रात छोटे बड़े। मैंने बताया था कि अगर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की साइड है तो दिन बड़े होंगे, अगर दक्षिण गोलार्ध सूर्य की साइड है तो दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होंगे। वहीं पर अपोजिट कि अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो रहे होंगे तो रातें छोटी हो रही होंगी, रातें बड़ी हो रही होंगी तो दिन छोटे हो रहे होंगे, अभी मैंने ये आपको बताया। तो यहाँ पर देखते हैं, दिन रात छोटे बड़े, सूर्य का परिक्रमण में पृथ्वी का एक अक्ष सूर्य की ओर झुका होता है। वही मैंने बताया, ये पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, जब पृथ्वी का एक अक्ष, यानी कि चाहे उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आ जाए चाहे दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने आ जाए, जब एक अक्ष पृथ्वी की ओर झुका रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, वहीं पर रातें छोटी होंगी। लेकिन जब दक्षिणी गोलार्ध में, देखो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे रातें छोटी होंगी, कब, जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध है, वो सूर्य की साइड झुका होगा, लेकिन वही क्या है, रातें यहाँ पर छोटी होंगी, उसी टाइम पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होगा, तो दूर होगा वहां पर रातें बड़ी हो रही होंगी और दिन छोटे हो रहे होंगे, इस तरह से आप अपोजिट करके समझ सकते हो। फिर है, किंतु जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के पास है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर है तो वहां पर उसकी प्रकाश नहीं पड़ेगा, धूप नहीं जाएगी, गर्मी नहीं होगी तो सर्दी होगी, और सर्दी में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। वहीं पर जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा तो वहां पर प्रकाश जाएगा, गर्मी होगी, गर्मी होगी तो दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, और वहां पर गर्मी का मौसम होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। नेक्स्ट है, 6 महीने दिन 6 महीने की रातें क्यों होती हैं, कहाँ होती हैं। उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य की ओर झुका हो, सदैव प्रकाश रहे, 6 महीने के दिन होते हैं। सेम यही दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है, 6 महीने की दिन रात, जब उत्तरी गोलार्ध 6 महीने तक सूर्य की तरफ झुका रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने के दिन हो जाते हैं, और ये ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती हैं, 24 घंटे वहां दिन रहता है उत्तरी ध्रुव पर। तो इस तरह से 6 महीने के दिन रात कहाँ होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ध्रुवों पर, जब ध्रुव सूर्य की साइड झुके होते हैं उस टाइम पर वहां 24 घंटे का दिन होता है और 6 महीने की दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। सेम यहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध का सूर्य की ओर झुकाव, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हो तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन 24 घंटे का दिन, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रातें 24 घंटे की रातें। फिर है, सूर्य की लंबवत व तिरछी रेखाएं, सूर्य की लंबवत और तिरछी रेखाएं कब पड़ती हैं। दोपहर में सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी होती हैं, कम स्थान पर पड़ती हैं और अधिक गर्मी होती है।
सूर्य की किरणें कब पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं? आप सभी को पता है ये पड़ती हैं जब दोपहर होता है। दोपहर में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत आती हैं, इसीलिए आपको गर्मी लगती है। जब लंबवत आएंगी तो कम स्थान पर पड़ेंगी, ज्यादा स्थान तो कवर नहीं करेंगी क्योंकि वो सीधी आ रही है, तो कम स्थान पर आती हैं और अधिक गर्मी इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो एक ही जगह पर एकुमुलेट हो जाती हैं, एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं सारी किरणें, तो सभी मिलकर के गर्मी बनाने का काम करती हैं और यही कारण है कि दोपहर में हमें ज्यादा गर्मी लगती है करीब 12 बजे के समय। तो यहाँ पर दोपहर में सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, कम स्थान पर पड़ती हैं, अधिक गर्मी होती है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय किरणें तिरछी होती हैं, ज्यादा स्थान पर पड़ती हैं और कम गर्मी होती है। जब सूर्य किरणें तो उतनी ही है जितनी ही सूर्य सुबह देता है, दोपहर देता है, शाम देता है, लेकिन दोपहर में वो इकट्ठी होकर के सीधी पड़ती हैं वहीं पर सुबह और शाम, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणें तिरछी होकर पड़ती हैं, तो ज्यादा स्थान पर पड़ेंगी, ज्यादा स्थान पर पड़ेंगी तो इतनी गर्मी नहीं बना पाएंगी क्योंकि फैल जाएंगी। इस वजह से क्या होता है, ज्यादा स्थान पर पड़ती हैं और कम गर्मी होती है, यही कारण है कि सुबह और शाम में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी गर्मी दोपहर के टाइम पर होती है। फिर आता है 21 जून। अब हमने यहाँ पर ये देखा था, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर एक नोट है, इन सभी परिस्थितियों में पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही दिशा में झुका रहता है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो सदैव एक ही दिशा में झुका रहता है, यानी कि सदैव ही सूर्य की तरफ झुका रहता है पृथ्वी का जो अक्ष है। ये नहीं है कि एक ही अक्ष झुका है, पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही दिशा में, किस दिशा में, सूर्य की साइड झुका रहता है। ये जो सारी कंडीशन है हमने यहाँ पर देखी। कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनता है, जब वो पृथ्वी सूर्य की साइड झुकी रहती है उस टाइम पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो एग्जाम में अगर आए कि जब पृथ्वी सूर्य की साइड झुकी रहती है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य की साइड झुका रहता है, उस टाइम पर कितने डिग्री का कोण बनता है, आप बता सकते हैं 66.5 डिग्री का कोण बनता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि दिन रात क्यों होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी पर घूर्णन किसके कारण होता है, ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी से लेकर अन्य एग्जाम में, कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात पृथ्वी पर होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जो आप 4 ऋतुएं देखते हैं, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वो किस कारण होता है, वो होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। परिक्रमण क्या पढ़ा था हमने, परिक्रमण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस टाइम में उसकी परिक्रमा करती है उसी को हम परिक्रमण कहते हैं, उसी पथ को हम परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना दिन रात होते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, 21 जून को होता है। अब यहाँ पर 21 जून की कंडीशन देखते हैं, 21 जून की क्या कंडीशन है। सूर्य उत्तरी ध्रुव के सामने होता है 21 जून को, जो हमने यहाँ पर पढ़ा, थोड़ा सा यहाँ पर और डिफाइन कर देते हैं। सूर्य उत्तरी ध्रुव के सामने होता है, किरणें 0 से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच में सीधी पड़ती हैं, और 0 से 23.5 डिग्री के बीच में कौन सा हमारा क्षेत्र आता है, ये आता है हमारे पास कर्क रेखा का, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है जिसमें गर्मी होती है। तो यहाँ पर 0 से 23.5 डिग्री के बीच सीधी किरणें पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े, रातें छोटी होती हैं। दोपहर में किरणें लंबवत पड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु होता है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होगा कि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होगा, किरणें 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में सीधी नहीं पड़ेंगी इसमें। और क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। दोपहर में यहाँ पर लंबवत नहीं पड़ेंगी और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर शरद ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये सारी कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी।
फिर यहाँ पर 23 दिसंबर की है, 23 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है, किरणें 0 से 23.5 डिग्री के बीच दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, यानी कि विषुवत से मकर के बीच में किरणें पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है जिसे, जब दिन बड़े और रातें छोटी होने लगे तो ग्रीष्म ऋतु होता है। अपोजिट होता है इसके उत्तरी गोलार्ध में, जब अपोजिट होता है इसके दक्षिणी गोलार्ध में। जो कंडीशन अभी उत्तरी गोलार्ध में थी, इसके अपोजिट सारी कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएंगी। यानी यहाँ पर क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां हो गई, गर्मियां हो गई। जब यहाँ पर सर्दियां हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां हो जाएंगी, दिन छोटे रात बड़ी होने लग जाएंगी। और ये कंडीशन कहाँ पर आएगी, 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण में, जो विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थान होगा, वहां पर ये सारी कंडीशन होंगी। फिर है 23 सितंबर और 21 मार्च, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शरद और वसंत ऋतु होती हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च किरणें विषुवत पर लंबवत पड़ती हैं, विषुवत का मतलब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, 23 सितंबर को शरद ऋतु, यानी कि सर्दियां आने वाली होती हैं, ना कि आ गई होती हैं, आने वाली होती हैं, जिसे शरद ऋतु कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि 21 मार्च को इसके विपरीत होता है। दोनों ध्रुवों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। 21 मार्च को क्या होगा, दोनों ध्रुवों पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यानी वहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होने लग जाएंगी। दोनों गोलार्धों के आधे आधे भाग प्रकाशित होने लगते हैं। दोनों तिथियों के दिन रात बराबर होती हैं, रात बराबर होती हैं। जैसे 6 महीने का दिन 6 महीने की रातें, 24 घंटे का दिन 24 घंटे की रातें, तो यहाँ पर रातें और दिन बराबर होने लगते हैं। इस तरह से ये क्लास थी, इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और ये हमारा हो गया थर्ड चैप्टर हो गया पृथ्वी की गतियां। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड चैप्टर होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे, जो कि हमारी क्लास फिफ्थ होगी। जय हिंद जय भारत।